तो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो सभी लोग? आई होप कि आप लोग बढ़िया और आगे भी बढ़िया रहें। तो गाइस, इस वीडियो में बताने वाला हूं आपको फ्री फायर की बेस्ट सेंसिटिविटी सेटिंग। गाइस, बहुत दिनों के बाद वीडियो आ रहा है, तो गाइस उसके लिए मैं सॉरी कहता हूं। तो चलो यार, बिना किसी तरीके वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करने वाले इन गेम सेंसिटिविटी सेटिंग, उसके बाद बात करने वाले आपको डीपीआई कितना रखना चाहिए, क्योंकि डीपीआई जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। डीपीआई अप डाउन करने से आपका हेडशॉट मूवमेंट बढ़ता है। उसके बाद बात करने बेस्ट फायर बटन साइज, यस गाइस बेस्ट फायर बटन साइज भी बताने वाला हूं, तो वीडियो तो एंड तक जरूर देखना। तो गाइस चलो यार, बिना किसी तरीके वीडियो को शुरू कर देते हैं। गाइस सबसे पहले आपको तीन चीज जरूर से इंपॉर्टेंट रहता है, आपको जो है डेवलपर ऑप्शन से डीपीआई वाला ऑप्शन जरूर से ऑन कर लेना। उसके बाद आता है पॉइंटर स्पीड, यस गाइस अगर पॉइंटर स्पीड आप नहीं करोगे तो आपका शॉटगन और MP40 या UMP से हेड नहीं लगेगा। इसको आपको क्या करना है, पॉइंटर स्पीड को हमेशा फुल करना। उसके बाद आता है एनिमेशन स्केल, अगर आप लो एंड डिवाइस में खेलते हो तो इसको हमेशा ऑफ करना, नहीं तो 0.5x पर करना अगर आप हाई एंड डिवाइस में खेलते हो। तो चलो यार, बिना किसी तरीके इन गेम सेंसिटिविटी सेटिंग में बात करते हैं। तो सबसे पहले आता है जनरल, जनरल को आपको क्या करना है 97 कर लेना, ये सही जनरल को आपको यानी 97 कर लेना। आफ्टर अपडेट के बाद 97 पे एकदम चुम्मा हेड लगता है, इस आपको इस लगाना है 97 कर लेना। उसके बाद करते हैं रेड डॉट, आपको क्या रखना चाहिए, तो रेड डॉट को आप रख लेना 82, ऐसा है रेड डॉट को 82 रख लेना। जैसे कि रेड डॉट क्या होता है, बिठाओ तो स्कोप, जैसे गन में स्कोप नहीं रहता तो उसमें रेड डॉट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है। उसके बाद करते हैं 2x और 4x आपको क्या रखना चाहिए, तो 2x को रखना 74 और 4x को रखना 55। इसको रखने से क्या होगा, आप 2x और 4x में मतलब स्कोप जब ऑन करोगे तो थोड़ा सा ड्रैग करने पे आपका हेड लग जाएगा। उसके बाद करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट स्नाइपर प्लेयर, यस गाइस अगर आप टू वुमन एंड ये सब खेलते हो तो स्नाइपर उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्यूरेसी के लिए। स्नाइपर स्कोप हो गया है 55 रख लेना, यस गाइस मेरे टीम में एक स्नाइपर प्लेयर है, उससे मैंने पता किया तो वो बोला 55 रखना चाहिए, एक्यूरेसी के लिए बहुत सही रहता है। उसके बाद करते हैं फ्री लुक आपको क्या रखना चाहिए, तो फ्री लुक को आपको हमेशा 100 रखना। कैसे अगर पागल एमटन आई स्टार वाइट कलर हो, जिससे भी आप मूवमेंट अगर करना चाहते हो उसके तरह, तो आपको क्या करना है हमेशा फ्री लुक को 100 ही 100 करना है। उसके बाद करते हैं आपको डीपीआई को कितना ही रखना चाहिए, डीपीआई को आप रख सकते हो, यस गाइस। उसके बाद करते हैं डीपीआई को आपको कितना रखना चाहिए, तो डीपीआई डिफॉल्ट डीपीआई रहता है लो एंड डिवाइस में 392, आपको उसको इंक्रीज करके क्या करना है 471 कर लेना लो एंड डिवाइस में। हाई एंड डिवाइस में अगर खेलते हो तो उसमें आपको डिफॉल्ट डीपीआई रहता है 411, उसको आपको इंक्रीज करके 441 कर लेना, यस गाइस 441 अगर आप कर ले तो आपको जो एकदम रेड नंबर लगेगा और आपका मूवमेंट इतना फास्ट हो जाएगा गाइस कि आप रास्टर की जैसे फील करने लगोगे, मैं रास्टर की तरह करीब आ गया मतलब डीपीआई लगाने के बाद। और उसी डीपीआई में आप रेगुलर खेलोगे तो आपका हाथ बैठ जाएगा, जिससे कारण आप आगे वाले बंदे को एकदम इजीली रेड नंबर मार सकते हो। और जो गाइस मैं बता रहा हूँ आपको, इसी को क्या करना है, रिपीट करते रहना कम से कम, इसको आपको दो तीन दिन खेलना है इसी पे, नहीं तो फिर चेंज करोगे तो आपका हेडशॉट लगना बंद हो जाएगा, इस आप फिर से बॉडी पे आ जाओगे। इसलिए आपको क्या करना है, दो तीन दिन इसको इसी पे सेंसिटिविटी और डीपीआई पे खेलना है। उसके बाद करते हैं आपको एक बोनस टिप बताता हूँ गाइस, जैसे कि फायर बटन साइज। डायरेक्ट टिप आप भाई हमेशा बोलते हैं कि फायर बटन जितना छोटा रखो उतना ज़्यादा हेड लगे, ये आप एकदम 100% लिख के रखो गाइस, जितना आप छोटा रखोगे उतना हेड लगे। आपका डिफॉल्ट रहता है 40, इसको आपको क्या करना है 41 से ऊपर नहीं करना है, यस गाइस 40 कर लो या 41, अगर आप स्मॉल फायर बटन साइज में अगर खेलना सीख गए तो आप रेड नंबर का मास्टर बन जाओगे। इसलिए आपको हमेशा फायर बटन छोटा करना चाहिए। आप इसे डिफॉल्ट इंक्रीज करते करते 45 से अगर आप ऊपर कर लिए तो समझो कि आपका रेड एंड व्हाइट मिक्सर लगेगा, 41 या 40 पे खेलोगे तो आपका ओनली रेड नंबर लगा है। कैसे ही था इस वीडियो में, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में गाइस। अब पता नहीं कब वीडियो आएगा, तो लाइक और सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन को जरूर से ऑल कर देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।